जैसा कि पता है आप लोगों को कि रोजाना जो कोविड के केसेस हैं जिला कांगड़ा में लगभग 400 से 500 के आसपास आ रहे हैं, और डेथ्स भी उसी हिसाब से लगभग 5 से 10 के बीच में हो रही हैं। इस महीने में लगभग 5,000 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं और लगभग 90 से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। उसकी गंभीरता को देखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री का भी जिला कांगड़ा में दौरा हुआ था, और जो नए बेड स्पेसेस हम क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, चाहे पपरोला के आयुर्वेदिक कॉलेज में हो, उसका उन्होंने दौरा किया। और कल से लगभग 100 से ऊपर बेड जो कैपेसिटी है वो जिला कांगड़ा में कोविड पेशेंट्स के लिए ऐड की जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, जो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से एक ऑर्डर आया था, उसको लेकर मैं चाहता हूँ कि कोई असमंजस की स्थिति ना हो, और ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि आपके माध्यम से मैं लोगों तक ये बात पहुँचा पाऊँ कि जो लोग भी जिला कांगड़ा में कल से प्रवेश करने जा रहे हैं उनके लिए क्या क्या प्रतिबंध रहेगा, किस प्रकार का अरेंजमेंट रहेगा, और किस प्रकार से वो सुचारू रूप से जिला कांगड़ा में आ जा सकते हैं। पहला जो आदेश स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से आया है कि रात के लिए जो हमने नाइट रिस्ट्रिक्शन लगाया था, अब कोरोना कर्फ्यू लगाने के लिए आदेश दिया गया है, तो वो रात को 10 बजे से 5 बजे सुबह तक होगी। तो आज से जिला कांगड़ा में मंडे टू फ्राइडे रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू होगा। उसके अलावा जो सुचारू रूप से हम अपना कामकाज कर रहे हैं, जो ऑफिस चल रहे हैं, जो पिछला मेरा 144 का ऑर्डर था उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। जहाँ तक बात रही सैटरडे और संडे की, जो वीकेंड है वो उसी प्रकार से चलेगा जिस प्रकार से पिछले हफ्ते चल रहा था। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट करने की बात की गई थी, तो ऑलरेडी वो टास्क फोर्स कंस्टिट्यूटेड है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, सब डिविजनल लेवल पे, और हम PRIs के माध्यम से जो हमारे होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनका हम ध्यान रख रहे हैं। अब बात आती है जो इंटर स्टेट मूवमेंट है, तो इंटर स्टेट मूवमेंट किस प्रकार से होगा वो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। बड़े सरल शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से लोगों की एंट्री जिला कांगड़ा में होगी और किस प्रकार की बाध्यता रहेगी, और किस तरह से हम उसको हमारा जो ई पास सॉफ्टवेयर है कोविड का उसके माध्यम से फैसिलिटेट करेंगे। पहले तो जो लोग भी जिला कांगड़ा में एंटर कर रहे हैं, जो इंटर स्टेट बॉर्डर से एंटर कर रहे हैं, इंटर स्टेट मतलब हमारा संसारपुर टेरेस बॉर्डर हो गया, उसके बाद जो हमारा रियाली के पास फतेहपुर के साथ लगता है इंदौरा, और हमारा जो कंडवाल का बैरियर है, बस इन चार सब डिविजन पे जो इंटर स्टेट बैरियर है वहां की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे एंट्री के लिए अगर पिछले 72 घंटे में COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट किसी के पास है तो उनको किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होगी, सिर्फ अपने कोविड ई पास सॉफ्टवेयर में जाकर अपने आप को रजिस्टर कर दें और सुचारू रूप से आ सकते हैं, उनको क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई हॉटस्पॉट से आ रहा है, जो पहले भी हमने बताया था, चाहे रिलीजियस प्लेसेस से आ रहा हो या कुछ ऐसे स्टेट से आ रहा हो जहाँ पे लोड बहुत हैवी है, जैसे दिल्ली हो गया या महाराष्ट्र हो गया या अन्य कोई राज्य हो गया जिसकी लिस्ट हमने ऑलरेडी पहले सर्कुलेट की हुई है, अगर वहां से आता है तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा, अगर उसके पास पिछले 72 घंटे के अंदर की कोई रिपोर्ट नेगेटिव नहीं है तो। और अगर वो 14 दिन के लिए क्वारंटीन होता है तो भी उसके पास एक ऑप्शन रहेगा कि 7वें या 6ठे दिन अपना टेस्ट करा ले, और अगर नेगेटिव आता है तो क्वारंटीन से बाहर आ सकता है। तो इस प्रकार की बाध्यता रहेगी। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय था जिसके बारे में बहुत सारे कॉल्स हमारे कंट्रोल रूम में भी आ रहे हैं और आपके माध्यम से भी पूछा जा रहा है, कि जो लोग पंजाब बॉर्डर पे हमारे एरिया में काम करते हैं उन लोगों के लिए किस प्रकार का अरेंजमेंट रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबको ई पास सॉफ्टवेयर में एक बार के लिए रजिस्टर तो करना है, लेकिन आने जाने के लिए अगर कोई अंदर बाहर से 72 घंटे के लिए अंदर आ रहा है और अपना काम काज करके बाहर जा रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड है किसी प्रकार की क्वारंटीन, और किसी प्रकार का उसको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से मान लीजिए हिमाचल का कोई इंसान बाहर जा रहा है और किसी हॉटस्पॉट में जा रहा है, लेकिन जाकर वो 72 घंटे के अंदर बाहर अंदर आता है तो भी उसको किसी भी प्रकार का क्वारंटीन की जरूरत नहीं होगी, और सबको रजिस्टर करने की आवश्यकता है सिर्फ ई पास जो हमारा कोविड का है, उसके अलावा ये दो तीन जो कैटेगरीज हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि किसी ने वैक्सीनेशन करा रखी है, किसी ने जो बाहर से आ रहे हैं वो वैक्सीनेशन करा रखे हैं और उनका मिनिमम 14 दिन का पीरियड हो चुका है वैक्सीनेशन कराने के बाद से, उनको भी क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है जिला कांगड़ा में आने के बाद। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई 20 दिन पहले, 6 महीने से 20 दिन पहले तक अगर
कोरोना पॉजिटिव रहा है उसको भी आकर यहाँ पे क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चार पांच कैटेगरीज थी जो मैंने एग्जेंप्शन आपको बता दिया। लेकिन ट्रैवल करने के लिए मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि हमारा जो कोविड ई पास hp.gov.in जो वेबसाइट गवर्नमेंट द्वारा क्रिएटेड है वहाँ पर जाकर स्वतः अपने डिटेल्स फिल करें ताकि हमें ये पता चल जाए कि आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं ताकि हम मॉनिटरिंग कर सकें। उतनी इन्फॉर्मेशन आप देंगे तो ऑटोमेटिकली एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है, वही एक्नॉलेजमेंट आपका पास है, किसी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इसको लेकर हमने जो हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं कल से हम चेकिंग भी करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो लोग तो एक्नॉलेजमेंट लेकर आ रहे हैं उनको तो हम डायरेक्ट एंट्री करवा सकें, जो लोग नहीं भी लेकर आ रहे हैं हम उनका थोड़ा सा डेटा लेंगे ताकि हम उनको बेटर मॉनिटर कर सकें। हमारी कोशिश है कि बॉर्डर्स पे कोई हरास ना हो, कोई परेशान ना हो और जो टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए हैं उसके अनुरूप ही लोगों का क्वारंटीन पीरियड हो ताकि आने वाले समय में किसी को असुविधा ना हो। मेरे तरफ से इतना ही था। आपके पास कोई प्रश्न? एक दो केसेस ऐसे सामने आए हैं कि मान लीजिए पड़ोसी राज्य दिल्ली में कोई बंदा पॉजिटिव हो गया है और वहां पर हेल्थ फैसिलिटी उससे प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, वो हिमाचल आना हो तो उनके लिए कुछ है? देखिए, इस तरह का कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं लेकिन ऐसा है कि केस टू केस बेसिस पे हम देख रहे हैं और इस तरह के एक आध केसेस हमारे पास वापस भी आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहां से पेशेंट को किस प्रकार से यहां शिफ्ट किया जाए। इस तरह की अगर कोई फैसिलिटी के माध्यम से एम्बुलेंस के माध्यम से कोई अगर हमारे पास हॉस्पिटल तक पहुंच जा रहा है तो हम उसका इलाज कर रहे हैं। सर, बहुत सारे लोग जैसे कांगड़ा के हैं या हिमाचल के हैं, बाहर के हैं, पंजाब की दूसरी जगह वापस घर आ रहे हैं, उनके लिए? नहीं, बिल्कुल मैंने क्लियर बोला कि अगर कोई बाहर से हेवी लोड स्टेट से हॉटस्पॉट से यहाँ आ रहा है तो पहला तो यह है कि अगर 72 घंटे के अंदर का उसका कोविड नेगेटिव टेस्ट है तो उसे क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं, बस वो ई पास एक एक्नॉलेजमेंट लेकर आ सकता है। उसी प्रकार से अगर कोई बिजनेस पर्पज से पंजाब से हमारे हिमाचल में आ रहा है और 24 घंटे के अंदर या 72 घंटे के अंदर वापस चला जा रहा है तो उसको भी बस वो ई पास लेकर आने की जरूरत है, उसको भी किसी प्रकार का टेस्ट कराने की क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कोई हिमाचली कांगड़ा में वापस आ रहा है और लंबे समय के लिए ठहर रहा है और उसके पास कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट भी नहीं है, उसके पास उसका वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है और पिछले 20 दिनों से 6 महीने के भीतर में वो पॉजिटिव ही नहीं रहा है, उसको हम ये बोल रहे हैं कि 14 दिन आप क्वारंटीन हो जाएं और 6ठे या 7वें दिन अगर टेस्ट कराते हैं नेगेटिव हैं तो आप क्वारंटीन से बाहर आ सकते हैं। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट है, बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें और किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। नाइट कर्फ्यू को किस तरह से सुनिश्चित करेंगे? बिल्कुल, जैसे पहले भी हम 8 से रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सुनिश्चित कर रहे थे उसी प्रकार से हम रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे के लिए भी सुनिश्चित करेंगे। रात को 10 से जो सुबह 5 बजे का आपने कर्फ्यू बताया उसमें क्या लॉजिक है, क्योंकि रात को तो वैसे ही बहुत कम पॉपुलेशन बाहर। देखिए, इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो बहुत सारे लोगों के काम काज चल रहे होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे हमारे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो लोग भी आते जाते हैं तो उनको जितना हम लंबा पीरियड दे सकते थे कि वो कामकाज ठप ना हो इस हिसाब से हमने जो सरकार के माध्यम से 10 बजे का निर्देश आया है। इसके अलावा हमारा मेन पर्पज ये है कि रात को अगर इस पीरियड में अगर हम कोरोना कर्फ्यू जैसा कोई सिस्टम लागू करते हैं तो खास करके अब आपको पता होगा जिला कांगड़ा में अगले 1 महीने में लगभग 5,000 शादियाँ होने जा रही हैं, हमारा फोकस सिर्फ शादियों पर रहेगा ताकि हम शादियों में ये इंश्योर कर पाएँ कि 50 से ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, कम से कम समय के लिए वो शादियां हो रही हैं और किसी प्रकार का वहां पे वायलेशन नहीं हो रहा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले 2 दिनों में हमने काफ़ी चेकिंग स्टार्ट की है और कई जगह फाइन और FIR की भी नौबत आई है, तो ऐसे में हमारा पूरा जो एनर्जी है रात को सिर्फ और सिर्फ शादियों को मॉनिटर करने में लगा सकें, उस स्थिति को देखते हुए रात को ये किया गया और लोगों को सहूलियत भी दी गई कि रात के 10 बजे तक अपनी मूवमेंट सुचारू रूप से रख सकते हैं। लेकिन फिर भी रात के समय जो एसेंशियल मूवमेंट्स हैं वो हम नहीं मना कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों का आता है कि हम कोई सामान लेकर गुड्स करियर वगैरह आ रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, उस स्थिति में वो सारे जो कार्य हैं वो एग्जेम्प्टेड कर लिए गए। सर, कांगड़ा से कोई अगर चंडीगढ़ जाता है और वापस लौट के आता है 72 घंटे के अंदर, उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। 72 घंटे के अंदर वापस अगर आ जाता है तो उसे क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है, बस कोविड ई पास पोर्टल से अपने लिए पास बना के जाकर आ जाए ताकि हमें पता चले कि 72 घंटे के अंदर आए बस। सर, कोविड के चलते जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब ना हो, इसके लिए क्योंकि बहुत सारे वर्ग हैं जो सारे जो नॉर्म्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, कितनी सख्ती रहेगी और किस तरह की रियायत जो है वो दी जाएगी? देखिए, खासतौर पर ऐसे मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि किसी प्रकार की कहीं सख्ती की जाए। अगर सरकार के माध्यम से 3 घंटा एक्स्ट्रा दिया गया है रात के समय का तो ये इसी को मद्देनजर दिया गया है कि जो आर्थिक स्थिति बहुत सारे लोगों की खराब है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल के अपना कामकाज कर सकें। हमारी कोशिश जिला कांगड़ा में यह है कि अगले 15 दिन तक, क्योंकि जो केसेज हैं आज भी लगभग 500 से ऊपर केस आने वाले हैं,
तो जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, जो चेन ब्रेक नहीं हो पा रही है, उस चेन को ब्रेक करने की कोशिश है। 15 दिनों के बाद जो आर्थिक एस्पेक्ट है उस पर भी हम लोग ढंग से नजर रखेंगे। बस मैं आपके माध्यम से लोगों से इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि 1 मई के बाद से बाकी लोगों के वैक्सीनेशन भी शुरू होने वाला है, आने वाले समय में हमारी स्थिति और बेहतर होने वाली है। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे आपके माध्यम से लोगों से यही गुजारिश है कि 3 मुख्य बातों का अपने लाइफ में ध्यान रखें, खास करके जो डबल मास्किंग की अब बात की जा रही है, हैंड सैनिटाइजेशन की बात करिए और सोशल डिस्टेंसिंग की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी शादियाँ हमने देखी हैं जहाँ लोग प्रॉपरली मास्क लगाकर हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हैं और पूरा कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। तो मैं ऐसे लोगों के माध्यम से दूसरे लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये प्रेरणा के स्रोत हैं कि शादी जैसे माहौल में भी लोग काफ़ी संयम बरत रहे हैं। लेकिन जहाँ पर नहीं ऐसा हो पा रहा है, उनके लिए बस मेरा एक ही सुझाव है कि कृपया करके इन बातों का ध्यान रखें, नहीं रखेंगे तो फिर हमें प्रशासन के माध्यम से जो भी कार्रवाई बनती है वो करनी पड़ेगी। सर, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, हेल्थ मेडिकल फील्ड में भी काम करने वाले लोग हैं, अगर वो हिमाचल में आएंगे 7 दिनों का या 14 दिनों का क्वारंटीन है, कम छुट्टियां रहेंगी तो कैसे वापसी होगी? देखिए, अगर मिनिमम 7 दिन के लिए आ रहे हैं तो 6वें दिन 7वें दिन अपना टेस्ट करा लें, आए और जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 72 घंटे के लिए आ रहे हैं तो 72 घंटे में किसी भी प्रकार की क्वारंटीन की जरूरत नहीं है, जैसा कि ऑर्डर सरकार द्वारा किए गए हैं। सर, ये जो सभी नियम आपने बताए या दिशा निर्देश है, ये कब से पूरी तरह से? बिल्कुल आज रात से ही ये इफेक्टिव है। आज रात से ही रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कोरोना कर्फ्यू होगा और कल सुबह से जो लोग भी एंट्री करते हैं जिला कांगड़ा में, जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं, तो जो भी मैंने बातें बताई हैं उन बातों का ध्यान रखा जाएगा और बॉर्डर्स पे लोग इंक्वायरी करने के लिए होंगे। और हमारी यही कोशिश होगी हम किसी को परेशान ना करें और कोई बेवजह परेशान ना हो। लेकिन मेरा आप लोगों के माध्यम से लोगों से यही अपील है कि लोग सपोर्ट करें और सहयोग करें। सर, 8 बजे तक था पहले, अब 10 बजे तक किया गया, दुकानें भी 8 बजे के बाद जो है वो बंद हो जा रही थी, तो अब 10 बजे तक खुली रही। हाँ बिल्कुल, 10 से 5 सुबह 5 बजे तक। सर, बेड को लेकर स्थिति स्पष्ट की है आपने, लेकिन अगर ऑक्सीजन को लेकर बात करें, जिला कांगड़ा में की स्थिति और धर्मशाला में भी अस्पताल में इस तरह की शिकायतें आ रही है कि वहां पर नहीं। मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, आपने प्रश्न पूछा है, तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और ऑक्सीजन को लेकर किसी भी प्रकार का असमंजस नहीं होना चाहिए। मंडी से जो हमारी सप्लाई है किसी प्रकार से बाधित नहीं हो रही है। उसी प्रकार से हमने 2 यहाँ पर भी वेंडर्स आइडेंटिफाई किए हुए, एक नगरी में है, एक इंदौरा में है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कई जगह इस तरह की बात आ रही है कि अगर कोई एक सिलेंडर पे है तो ये सोच रहा है कि ये जल्दी खत्म होगा तो हमारा दूसरा सिलेंडर रखा है कि नहीं रखा है। हमारे स्टॉक्स में अवेलेबल है सिलेंडर। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो वेस्टेज है उसको भी हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान को अलग अलग क्वांटिटी की, अलग अलग स्पीड की, जितने भी लीटर्स पर मिनट की स्पेसिफिकेशन है वो मेडिकल जो टीम है उसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो सबको हम सेम फ्लो पे नहीं रख रहे हैं। तो ऐसे में कई बार जो हमारे जो मरीज हैं अंदर, उनको भी असमंजस की स्थिति है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हमारे स्टॉक में भी पड़ा हुआ, जैसे टांडा की बात की जाए, टांडा में अगले 3 दिनों तक की सप्लाई पड़ी हुई है। और जब भी 24 घंटे की बात आती है, 24 घंटे के अंदर हमें होता है, हमको बद्दी से, हमको मंडी से, जहाँ से भी हमारी जो सप्लाई है वो आ जाती है। जैसे कल रात को हमारी 51 सिलेंडर्स की गाड़ी गई हुई थी मंडी, वो सुबह आ गई। रात को हमारे पास 25 एक्स्ट्रा सिलेंडर्स थे, वो हमारे पास एक बैकअप था। तो इस तरह की कोई भी स्थिति नहीं है जिला कांगड़ा में कि ऑक्सीजन की कमी है। अगर ऑक्सीजन की कमी होती तो उसके ऊपर और गौर किया जाता और ध्यान दिया जाता, लेकिन फिलहाल हम इतना ही इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन रहे और हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक रहे, और जो कि है। सर, घरों के बाहर पहले जिस तरह कोविड पेशेंट के नाम लिखे जाते हैं, कोविड पेशेंट है, इसकी जानकारी दी जाती है, इस तरह दोबारा हम बिल्कुल हमारी मंशा ऐसी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर के हिसाब से इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो आज हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी थे वो भी मीटिंग में आए थे, जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मीटिंग की गई थी, उसमें ये सजेशन दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से ये ऑर्डर कर दिए जाएं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग पॉजिटिव आने के बावजूद भी अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपने आसपास पड़ोस का ध्यान नहीं रख रहे हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है। लगभग 3,000 लोग होम आइसोलेशन में हैं, तो बहुत सारे जगहों पे आइसोलेशन को तोड़ने की भी खबर आ रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि उनका सहयोग हो, इसीलिए जो ये फट्टे हम बाहर लगा रहे थे, हो सकता है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट का आदेश आ जाता है दोबारा हम लगाना शुरू करेंगे। कोरोना वैक्सीन जो जहाँ पर लगाई जा रही है सर, वहाँ पर काफ़ी अधिक भीड़ रही है, ऐसी स्थिति आपके पास भी आई होगी, तो उसे लेकर क्या? बिल्कुल, उसको नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी एडवाइस दिया गया है, जो हमारे SCM से उनको भी बोला गया है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो आसपास का स्पेस है थोड़ा कम है, तो जैसे निचले इलाके हैं धूप काफ़ी रहती है तो लोग अंदर की तरफ आने की कोशिश करते हैं, तो हमने ये बोला है कि जहाँ पे भी इस तरह के वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे बाहर खड़े होने के लिए इतना स्पेस नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टैंड कर सकें,
तो उनको कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत है। तो आने वाले समय में इसकी सारी प्लानिंग चल रही है, इसको किया जाएगा। सर वर्कशॉप और सेमिनार और मीटिंग्स जो हैं उनमें क्या स्थिति रहेगी आप? देखिए मैंने क्लियर किया है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट एसेंशियल मीटिंग्स हैं चाहे गवर्नमेंट ऑफिस में हो या प्राइवेट ऑफिस में वही चलेंगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार का पब्लिक इंटरेक्शन पब्लिक डीलिंग अभी फिलहाल के लिए सभी तरह के ऑफिस में हमने सस्पेंड किया हुआ है। तो जो वर्कशॉप या सेमिनार्स हैं ऐसे कहीं भी इवेंट्स नहीं होने चाहिए, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ। सर एक समय था 18 से 20 केस तक जिला कांगड़ा पहुंच गया था, एक वक्त से 400-500 में पहुंच रहा है, तो क्या मानते हैं कहाँ गलती रही है, क्या कमियां रही हैं और आने वाले समय में ऐसा ना हो? देखिए कहीं ना कहीं सब लोगों से भूल हुई है, चाहे हमारे माध्यम से हुई हो या आम जनता के माध्यम से हुई हो, इस वजह से नंबर बढ़े हैं। पूरे पूरे स्टेट पूरे कंट्री की बात करें तो लगभग 3.5 लाख के आसपास मामले आ रहे हैं, और अगर हमारे जिला कांगड़ा की बात करें तो लगभग 400 से 500 मामले आ रहे हैं। जो पॉजिटिविटी रेट है लगभग 15% गई है, पिछले महीने ये 4% के आसपास थी। तो कहीं ना कहीं लोगों के इनसे लापरवाही रही है। बड़े बड़े इवेंट्स में हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है तो हम सब लोग इसलिए जिम्मेदार हैं, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि हम सब लोग अपना खुद का भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, समाज के लोगों का भी ख्याल रखें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो चेन है उसको ब्रेक किया जाए और जो कोविड प्रोटोकॉल जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपनाया जाए। थैंक यू।